अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी पिछली एपिसोड के अंदर हम ओकिनावा स्टे तक आए थे और हमें ओकिनावा के बारे में बताया। तो जो शोरन ब्लूज स्टाइल डेवलप हुआ तो उससे जो है वो बहुत सारे मास्टर्स बने और गिचिन फनाकुशी इज़ वन ऑफ द नोटेबल स्टूडेंट ऑफ आंकू इतोसु और वो ब्लैक बेल्ट थे, जस्ट ब्लैक बेल्ट शोरन ब्लू के अंदर। देन वो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई है तो उसके अंदर अमेरिकन्स का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ी और अमेरिकन्स ने वहाँ बहुत काम किया, रेफ्यूजीज़ के लिए बहुत काम किया। अमेरिकन ने बम्बिंग भी खुद की और बम्बिंग के बाद मेडिकेशन भी खुद प्रोवाइड की और उसके बाद फिर ओकिनावा के ऊपर, चूँकि ओकिनावा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था जापान और अमेरिकन्स के नज़रिए से, तो ओकिनावा जो है वो महफूज होकर रह गया और उसके बाद फिर ओकिनावा ने खामोशी अख्तियार की जंग को ख़त्म करने के लिए, अपने मासूम लोगों की जान बचाने के लिए। और वहाँ से जापान का किरदार शुरू हुआ, अमेरिकन का उनको साथ था, पावर थी उनके पीछे, इन्होंने मिलकर जो है उस कराटे को निकालने की कोशिश की और बहुत सारे मास्टरों को इनवाइट किया, मगर कोई ओकिनावा मास्टर ने कभी भी इनको पसंद नहीं किया, अमेरिकन को और जैपनीज़ों को, और इन्होंने कभी भी कराटे को जो है वो आगे नहीं सिखाया। लेकिन कुछ उस्तादों ने, क्योंकि वो पढ़ लिखे थे उस ज़माने के, जिसमें गिचिन फनाकुशी स्कूल टीचर थे और जस्ट ब्लैक बेल्ट थे, इस बात को याद रखिएगा, वो ब्लैक बेल्ट थे, उनके पास कोई और डिग्री नहीं थी और उनको टीचिंग के लिए कोई इजाज़त भी नहीं थी। ओकिनावा में कभी टीचिंग नहीं करते थे, वो जस्ट सीखते थे। जब उनको टीचिंग की इजाज़त मिली तो उनको कहा गया कि आप यहाँ आएँ, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जापान सिविलाइज है, आप यहाँ मूव करें। तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि कराटे को लेके आने वाले गिचिन फनाकुशी थे, ये गलत खबर है, ये शोटोकान के प्रैक्टिशनर्स ने अपनी खुशी में, अपनी मोहब्बत में, अपने अकीदत में कह दिया। इन सब में सबसे सीनियर, सबसे टेक्निकल, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड और ग्रेटेस्ट मास्टर चोजिन मियागी थे, जो कि बानी थे बुजुर्ग स्टाइल के। ये चाइना इनका आना जाना था और ये वाइल्ड ट्रेन कुंफू की प्रैक्टिस किया करते थे और उसके बाद यहाँ पे ओकिनावन कराटे को मर्ज करते थे, उसमें टेक्निक को मिलाया करते थे। ये बहुत टेक्निकल मास्टर मौजूद थे और इसी तरीके से ये जो इनके काते थे, इनके जो स्टाइल जो था बड़ा मुनफरद है, गोजुरियो खासतौर पर ओकिनावा गोजुरियो, जापान गोजुरियो डिफरेंट है, ओकिनावा गोजुरियो था। तो ये यहाँ पर जो है जापान आए और जब ये जापान आए, एक बार विजिट किया, अंडरस्टैंड किया, तो इनको लगा कि जापनीज बाकी कुछ करना चाहते हैं कराटे को और कराटे के जरिए सिविलाइजेशन होगी तो शायद ओकिनावा दोबारा से फले फूले। तो उन्होंने ओकिनावा के लिए, ओकिनावा के पीपल्स के लिए, उनके लोगों के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा और फिर वहाँ पर जाके केनमा मापोनी, जो कि आंको इतोसु के शागिर्द यानी शोरन ब्लू के प्रैक्टिशनर के साथ साथ चोजिन मियागी के जो टीचर थे मोरियो शिरो, तो उनके भी शागिर्द रहे हैं। तो लिहाजा और चोजिन मियागी की जो है इनसे एक अंडरस्टैंडिंग थी और ये भी एक अच्छे पढ़ लिखी फैमिली से ताल्लुक था इनका। तो चोजिन मियागी ने केनमा मापोनी शिरो के बानी को और फिर जो गिचिन फनाकुशी है, जो आगे जाके शोटोकान के बानी बने, इनको जापान साथ लेके गए और वहाँ जाके मिलाया। तो जापान के अंदर एक सियासी पहलू पहले से लॉन्च हुआ हुआ था, तो उन्होंने अपना जो गेम है, जो अपनी सियासत है, वो खेलना शुरू की और सबसे पहले उन्होंने नौकरी दी और केनमा मापोनी को नेवी सील्स या नेवी को ट्रेन करने के लिए जो है ओसाका भेज दिया ताकि ओकिनावा को तोड़ दिया जाए, मुल्के ना रहने दिया जाए। और केनमा मापोनी के साथ जो गिचिन फनाकुशी थे, उनको टोक्यो बुला लिया और टोक्यो में उनको टीचिंग का काम शुरू किया, वो टीचिंग करने लगे, पढ़ाने लगे और यही उनको कराटे सिखाने का बोला गया। ये देखते हैं चोजिन मियागी अंडरस्टैंड कर गए और वो वापस चले गए ओकिनावा, फिर वो जापान दोबारा कभी इस काम के लिए नहीं आया। तो मेरी वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मैं कुछ वीडियोज़ में आपको बैकग्राउंड में फोटोज शेयर कर रहा हूँ, उसमें चार पाँच मास्टर एक साथ बैठे हुए और चार पीछे खड़े हुए, तो उसमें ये वही तस्वीरें जब चोजिन मियागी और ये सब आए थे, पहली मुलाकात हुई थी और फिर इसमें दूसरे मास्टरों को बुलाया गया। ओकिनावा कराटे असली कराटे है और ओकिनावा के अंदर कराटे नहीं कहा जाता, डेंटो कराटे कहा जाता है। डेंटो कराटे, डेंटो कराटे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वॉर के अंदर ओकिनावा का और जापानियों का सामना हुआ था, ओकिनावन ने जापानी फौज को ओकिनावा के अंदर ही मार दिया खमियाते खाली हाथ। तो उस दिन जापान को एहसास हुआ कि हमारे हथियारों के बावजूद ओकिनावा के पास कुछ है, कि जो खाली हाथ रहकर भी उन्होंने लोहे की लकड़ी की पोशाकों को फाड़ दिया, किसी का पेट खुला हुआ है, किसी का सीना खुला हुआ है, कोई मरा पड़ा हुआ है, हड्डियों को तोड़ दिया,
ब्रेन डैमेज कर दिया, किसी की आंख बाहर आई हुई है। तो जैपनीज ये बात समझ गए कि हाथों से जीतना आसान नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत कोशिश करके मास्को को लालच दे के, जॉब दे के, सबको सिविलाइज करते हुए काते का कैरिकुलम लिया। मंजर आम पे क्या, गूगल पे क्या, इंसाइक्लोपीडिया पे क्या, किसी के पास वो लेटर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लेटर भी मेरे पास मौजूद है जो जापान ने ओकिनावा को लेटर लिखा और उनसे कैरिकुलम मांगा, और कैरिकुलम मांग के 1930s की तिहाई में JKF को फाउंड किया और कराटे टू जो मैंने आपको पहले भी बताया था एक स्टार्ट लिया, और कातों की कंपटीशन और फाइट के कंपटीशन करके उसको एक अच्छा पहलू ख़त्म करने के लिए उन्होंने डेंटो कराटे को नुकसान पहुंचाया। डेंटो कराटे क्या है, असल जो कराटे है मजबूत कराटे है उस डेंटो पे बैंड लगा दिया। आज भी ओकिनावा के अंदर डेंटो कराटे होती है, जो हमारी फेडरेशन है जो हम पाकिस्तान में लेके चले हैं KDKKR, वो बेसिकली उसी पर बेस करती है, सदियों पुरानी कराटे पे, मार्शल आर्ट पे, कोकोसाई डेंटो कराटे कुबुडो लैंड में। तो डेंटो को हम जिंदा रखे हुए, ये भी एक ऑनर की बात है कि हम सदियों पुरानी सखावत को, मार्शल आर्ट को जिंदा रखे हुए। सेकेंडली जो डेंटो को बैंड लगाया, तो फिर आज भी जापान के अंदर आप देखेंगे कि फुल कॉन्टैक्ट के नाम पे तो कराटे हो जाती है मगर डेंटो बैंड है, क्योंकि वो जानते हैं कि डेंटो कराटे का मतलब है वो बात को याद कराना, क्योंकि नामोस ने जापानियों को अपनी ज़मीन पर निहत्ता मारा था। तो डेंटो कराटे बैंड है जापान के अंदर, वो इसको अलग तर्ज पे करते हैं, कराटे डू पे करते हैं, JKF कराटे पे करते हैं, कराटे स्पोर्ट्स पे करते हैं, कराटे एथलीट पे करते हैं, ट्रेडिशनल कराटे पे करते थे, लेकिन डेंटो कराटे कभी नहीं करेंगे। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको इंसाइक्लोपीडिया गूगल बुक्स पर भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। और वजह यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च होती है जो पेश नहीं की जाती किताबों में, ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो मैं अपनी कौम से जो है इस चीज़ को बताने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि अपने आप को उस पहलू से बाहर निकालें, उस थॉट से बाहर निकालें जिस कम सोच वाले जहन से हम फंसे हुए हैं। आज हम कुछ नहीं सोच पाते हैं, हमें खाली सियासत और हमें फेडरेशन के अंदर अहदे की और इज्जत की और वकार की फिक्र है, जबकि ये चीज़ें तो खुद ब खुद हमारे पीछे हैं अगर हमारे अंदर क्वालिटी होगी। एनीवेज क्वालिटी के ऊपर फिर हम ये बात करेंगे कि ये जो JKF फेडरेशन है ये आगे चलती रही, और ये JKF एक अमेरिकन आर्मी के CIA के जो इंस्पेक्टर थे, बड़े अफसर थे बल्कि, तो वो JKF के अंदर आए और उन्होंने JKF को भेजा के अमेरिका में अलग से फाउंड किया दोबारा, और फिर JKF दुनिया भर में फैली, और JKF के ज़रिए से फिर आगे जाके आज भी JKF उस वक्त ओलंपिक कमेटी के अंदर रजिस्टर्ड थी, आज भी रजिस्टर्ड है पर आज भी इवेंट्स को करवाती है। और फिर साथ ही साथ फिर यूरोप का जो पहलू मैंने आपको बताया कि वोको में कराटे यूरोप के अंदर से दुनिया भर में फैली, फिर वोको के बाद अलग ग्रुप बने, आज JKF भी बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है स्पोर्ट्स कराटे पर। हकीकी कराटे को ख़त्म करने में इन सबका हाथ है, और रोज़ाना हाथ का था ये चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा WKF कराटे टॉप फेडरेशन है, लेकिन WKF कराटे की मैं आपको एक खतरनाक बात बता दूँ, कातों को तब्दील कर रहे हैं, और ऐसे भी काते बनाए गए हैं जो काते हैं ही नहीं किसी मास्टर के, वो खुद जापान ने लॉन्च किए हैं अभी हाल ही में, उसको बनाया है और उसको ग्रामीण कम्पिटिशन में डाल दिया है। तो जो ग्रैंड मास्टर्स का जो कि जो हमारे पीर्स होते हैं, जो हमारे एंशियंट मास्टर्स होते हैं, उनकी तकनीक को ख़त्म करके एक नई चीज़ को पेश करके कराटे को चेंज करते जा रहे हैं, और कराटे स्पोर्ट्स भी कर दिया है। तो कराटे की हकीकी शक्ल ख़त्म हो चुकी है। स्पोर्ट्स कराटे इज नॉट फॉर सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स कराटे इज नॉट फॉर ट्रेडिशनल, स्पोर्ट्स कराटे इज नॉट फॉर लाइफ, स्पोर्ट्स कराटे इज जस्ट फॉर द पॉइंट स्कोरिंग मेडल अर्निंग एंड सर्टिफिकेट्स एंड ऑनर अर्निंग। ठीक है जी, तो ये टोटल इसकी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी। इसमें कुछ सवाल होंगे, अगर कोई वीडियो देखे तो नीचे सवाल है, हमारी वीडियो भी कर सकता है इंशाल्लाह, उसके लिए हम एक अच्छी वीडियो, अगर उसका सेंसेबल कोई सवाल हुआ तो इंशाल्लाह इस पर भी हम अपनी नई वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और आपके सवाल की वजह से हम वीडियो को बनाते रहेंगे, और हो सकता है कि ये टॉपिक ये एपिसोड्स बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए आपका सवाल करना, आपका समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, आप अपना फ़र्ज़ निभाएं, हम अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे। कराटे
बॉडी माइंड सोल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना होगा। ये पहलवानी नहीं है और पहलवानी पर टेक्निक हावी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पहलवानी पर टेक्निक हावी है और कराटे पहलवानी नहीं है। तो फिर कराटे क्या है? लिहाजा कराटे को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आखिर की अपनी ये बात जरूर आपको मैसेज करूँगा, बताऊँगा कि जिस समय इंसान अपनी सांस लेने के साथ जिंदा नहीं रह सकता अगर उसकी बॉडी में खून नहीं दौड़ा, तो दौड़ाने खून बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारी ब्रीदिंग है, जो हमारी सांस है, वो हमारे ब्लड के लिए भी काम कर रही होती है, उसकी सर्कुलेशन के लिए भी काम कर रही होती है। कराटे के अंदर, मार्शल आर्ट के अंदर, हर स्टाइल के अंदर जो उसके काताज हैं, याद रखिएगा वो बिल्कुल ऐसा ही जैसे इंसान के जिस्म में दौड़ता हुआ खून। कराटे के अंदर काता इज अ ब्लड ऑफ कराटे, कराटे का खून है, दौड़ता हुआ खून है काता। आज काते का क्या हशर किया जा रहा है? अक्सरियत लोग काता प्रैक्टिस नहीं करते, अक्सरियत को काता पता ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी देखा गया जिन्होंने खुद साक्ता खुद ही अपने काते बना लिए, खुद ही अपना सिलेबस बना के स्टाइल बना लिया, और वो इस बात पर पक्के हैं कि हम कुछ नहीं सीखेंगे, हमने जो बना लिया वो वही, हम मुसलमान हैं, हमने जो बना लिया वो दुनिया की तख्लीक का सबसे बेहतरीन नमूना पेश कर दिया। शायद वो नमूना पेश नहीं किया, वो नमूना पेश किया है। तो काते की बहुत अहमियत है, फाइट बाद में, और उसके बाद काता खाली काता नहीं होता, उसकी बंकाई होती है, उसकी एप्लीकेशन होती है, उसके मकासद होते हैं कि ये काता क्यों किया गया। उसकी वाइट बेल्ट और जूनियर बेल्ट को अलग ट्रेनिंग कराई जाती है, सीनियर बेल्ट को उसका तरीका अलग बताया जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड फेडरेशन तक कराटे की जो एप्लीकेशन करवा दी है, वो बेसिक वाइट बेल्ट के वालों को वाली जो एप्लीकेशन है वही ब्लैक बेल्टों को करवा दी है। तो हम बहुत पीछे रह जाते, मैं भी बहुत पीछे रह जाता अगर मैं यहीं बैठ के सीखता रहता। सफ़र करें, लोगों से सीखें, हमारे लायक और खिदमत हो, हाजिर हैं, और सवाल के अतबार से, सिखाने के अतबार से कोई भी काता हो, चाहे भोजरियों का हो, शोतरियों का हो, शोतकान का हो, शोरियों का हो, क्योंकुशन का हो, तो हम इंशाल्लाह आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे और आपको सिखाएंगे, आपको बता देंगे कि ये काता क्या है, उसकी बेसिक क्या है, इसकी एडवांस लेवल क्या है। स्टे कनेक्ट विद अस, इनसे करीब रहें, इन वालों की कदर करें, रिस्पेक्ट करें, जिनके पास कुछ नहीं है उनका वजूद है उसकी भी इज्जत करें, और जो कुछ है उसकी भी इज्जत करें। हम इस दुनिया में एक महदूद वक्त के लिए आए हैं, और इस वक्त को गुजार के हम सबको एक दुनिया से जाना है। हमारी हड्डी खाल गोश्त और ये पूरा रंग रूप कब्र के अंदर मिट्टी में दफन होगा। हमारे अखलाक मोहब्बत और लोगों के साथ उनकी अच्छी पेश कदमी यहाँ जिंदा रह जाएगी। हमारी रूह हमारे अमाल साथ ले जाएगी, और हमारे पीछे हमारे अमाल, हमारी मोहब्बत, हमारे अखलाक दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल बन के रह जाएगी, और शायद पीछे पड़ने के बाद दुआ करने वाले लोग मिल जाएंगे। प्लीज़ इस बात को जरूर सोचिएगा। मार्शल आर्ट कल्टीवेशन डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। थैंक यू सो मच।